शहर शहर आवारा पालतू शिकारी लोगों पर हमले कर रहा है। मालिक खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। हमले के बाद शख्स की हालत गंभीर है। कासगंज और लखनऊ से आई ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में पालतू कुत्ते ने शख्स पर अटैक किया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रात करीब 10 बजे घर वापस आते समय पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने पूरी तरह घायल कर दिया, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हमारे घर में मंदिर है, लोग आते जाते लोग पूजा करने, दिन में 50 लोग पूजा करने आते। कभी कुत्ते ने कभी नुकसान किया? हाँ, भी किसी ने, ये ने लिखा भी है, ये लिखा भी है। ये कुत्ता आपके पास कब से है? बचपन से है, मैंने उसको बीमारी से पाला है, उसको सारे इंजेक्शन लगे हैं और मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। स्टेशन वो जो नगर निगम वाला तो वो निकला है, सारे वैक्सीनेशन हमने कराए, वैक्सीनेशन सारे कराए। पीड़ित का आरोप है कि कुत्ते का मालिक शंकर वहीं मौजूद था, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की। डॉक्टर्स ने कहा कि लंबे समय तक इलाज चलेगा। और कुत्ते को पकड़ भी लिया गया, जब्त कर लिया गया है। अब उस कुत्ते को जरारा इंदिरा नगर स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर इंदिरा नगर ले जाया जाएगा, जहां पर उसको 10 दिन तक उसका बिहेवियर उसका परखा जाएगा और तत्पश्चात उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्रवाई आगे की जाएगी। पुलिस ने आरोपी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर कासगंज में एक 4 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। घटना उस वक्त हुई जब बच्चा स्कूल जा रहा था। घटना कोतवाली इलाके के अशोक नगर की। साढ़े 7:30 बजे स्कूल जा रहे थे और रास्ते में 7-8 कुत्ते थे, तो हमला कर दिया अचानक। कुत्ते पालतू थे क्या? नहीं, कुत्ते पालतू नहीं थे। लखनऊ, गाजियाबाद, कासगंज सहित कई जगहों से कुत्तों के हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में लखनऊ में पालतू कुत्ते के अटैक से कैसरबाग के बंगाली टोला निवासी रिटायर्ड शिक्षिका सुशीला तिवारी की मौत हो गई। नगर निगम की टीम ने 15 दिन तक पालतू पिटबुल कुत्ते को अपनी अभिरक्षा में रखा। इसके बाद नगर निगम ने सभी पालतू कुत्तों को टीका लगवाने और नगर निगम में पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की बात कही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।